यशोमती मैया के नंदलाला। यदि मेरे और लल्ला का रंग अलग अलग है तो हम मैया और लल्ला ना हो सकते। इसका अर्थ है कि मैं सच्ची में आपका ही लल्ला हूँ। किसी को कोई संदेह है कि हम मैया लल्ला ना है? कोई संदेह है? नहीं नहीं छोटी माँ, मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं तो बस अपने छोटे भाई के साथ परिहास कर रहा था। कान्हा, तू सदैव मेरा ही लल्ला था, मेरा ही लल्ला है और मेरा ही लल्ला रहेगा। समझ आई? क्षमा कर दो काना, जब तुमने मेरी बात ना मानी तो मैंने क्रोध में उल्टा सीधा बोल दिया। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम फिर से बनाने लगो, फिर से बन जाओ अपनी गोपालक टोली के मुखिया। आ गया तू, दुर्जन प्रहरियों आओ और इस बालक को बंदी गृह में डाल दो। सचेत होइए महाराज। वो विष्णु अवतार कहाँ है? वो बालक कहाँ है? यहाँ नहीं है, वो आपके मस्तिष्क में है। उसे अपने साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए महाराज। वो यही है, मैंने देखा है उसे। स्वयं को संभालिए महाराज, आपको भयभीत होने का कोई अधिकार नहीं है। आप स्वयं को भूल चुके हैं महाराज। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपने पिता को भी कारागार में बंद करवा दिया था और उनसे सिंहासन का अधिकार छीन लिया था। आप तो वो कंस हैं जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए वर्षों से अपनी प्रिय बहन और बहनोई को बंदी बनाकर रखा है। आप तो वो कंस हैं जिन्होंने अपने कितने ही भांजों को अपने ही हाथों से यमलोक पहुंचा दिया है ताकि आपका शत्रु ना पनप सके। ये समय भयभीत होने का नहीं है महाराज, पर यदि आपके मन में ये संशय ऐसे ही बना रहा तो मैं आपको भी आपके पिताजी के साथ कारागार में बंदी बना दूंगी और उस विष्णु अवतार का सामना मैं स्वयं करूंगी। राजद्रोह का परिणाम जानती हो ना महारानी? यही क्रोध उसे दिखाइएगा महाराज। किसी ऐसे योद्धा को ढूंढ के लाइए
जो उसका वध कर सके। और हाँ, किसी ऐसे योद्धा को खोज कर लाइए जो अब तक भेजे गए हर योद्धा से शक्तिशाली हो। यदि आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपकी सहायता कर सकती हूँ महाराज। ये लो काना। ना, अब ये दायित्व आप ही संभालो। फिर तो मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। अपना सारा समय बस इन्हीं के साथ ही बिताना चाहता हूँ मैं। पर तू दोनों कार्य कर सकता है काना। दिन में हमारे संग रह ले और शेष बचा सारा समय काकी के संग बिता ले। पिछले दिनों में कितना सीखा है हम सबने, पर तुम वरना आकर ये सुनहरा अवसर गवा रहे हो काना। हाँ काना, मैंने लव साधना सीख लिया है। बिल्कुल सदी बैठ तो है मेरा लक्स भेद। बहुत अच्छा लग शादू है। तूने देखा क्या ना, मैंने गैयाओं के साथ बात करना सीख लियो है। ये देख काना। देखा, मैंने भी लाठी चलाना सीख लियो है। अब मैं सबकी रक्षा कर सकता हूँ। मैंने भी सीख लियो कि गैया की गिनती कैसे की जाती है। वो देखो, बलराम शक्तिशाली होने का अभ्यास कर रहे है। मैं तुम सबके लिए बात प्रसन्न हूँ। बस मुझे तो अपनी मैया के साथ ही रहना है। और हाँ सिखाओ, ताऊ को बता दो मुझे इनसे बात ना करनी। चलो घर। मुझे इनसे बात ना करनी। रोहिणी जी जी, बलराम क्या हो गो, इतना दुखी क्यों है?
बलराम क्या होगो? छोटे बाबा इतने दिन हो गए, कान्हा हमारे साथ आ ही नहीं रहा। लगता है मुझसे क्रोधित है, क्योंकि क्रोध में मैंने उसे कह दिया था कि वो आपका और छोटी माँ का पुत्र नहीं है। क्रोध कितना भी क्यों ना हो बलराम, हमें सदैव अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। शब्द ना बाण की तरह होते हैं, यदि एक बार मुख रूपी धनुष से निकल जाए तो वापस ना आते। मुझे पता चल गया छोटे बाबा, पर मैं उसे कैसे मनाऊं? इस कला में तो कान्हा ही प्रवीण है, मुझे तो उसकी तरह भोलेपन से मुस्कुराना भी नहीं आता। बलराम तेरी भावना तो सच्ची है ना, बस उतना ही पर्याप्त? नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है छोटे बाबा, मैंने बहुत प्रयास किया, आज क्षमा भी मांगी उससे, पर वो नहीं माना। शब्दों से जो घाव लगते हैं ना बलराम, वो एक बार में ना भरते। और वैसे भूल तो तुम ही ने की थी, तो कान्हा को मनाने का प्रयास भी तुम्हें ही करना चाहिए। आज तूने अपने दाऊ से अच्छे से बात ना की, क्यों? दूध पीने के बाद अपने दाऊ के पास जा और ठीक से बात कर। मैं क्यों जाऊं मैया? उन्होंने मुझे कितना कछु बोला है? तेरे दाऊ की भावना तुझे दुख पहुंचाने की ना थी लल्ला, कब तक क्रोधित रहेगो? और वैसे भी वो है तो तेरे दाऊ ही ना, छोटा भाई है ना तुम्हारा, अच्छे से मनाएगो तो मान जाएगो, एक बार और प्रयास करके देखो। पहल करने से हम छोटे ना हो जाते लल्ला, और अपनों की भूल को हमें क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों को हृदय से लगाने से संबंध बिगड़ जाते हैं, समझ आई? आप सही कह रहे हो छोटे बाबा, बलराम का बल तो छोटे भाई से ही है, मैं अपने संबंध को और भी अधिक बलशाली बनाऊंगा। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी आ रहा हूँ। मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। जा। कर दो काना, आप तो पहले ही क्षमा मांग चुके हो। पर तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? क्योंकि मैंने अपने दाऊ की आज्ञा ना मानी। नहीं काना, मैया की आज्ञा मेरी आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण है। कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों एक साथ, एक दूसरे की भूल से ऐसे ही सीखेंगे, एक साथ बड़े होंगे दोनों भाई। सुनो जी, आपको पता है क्या बलराम ने इतने दिनों में क्या क्या सीखा है? भाभी बता रही थी कि सुबह स्वयं से ही उठ जाता है और तैयार भी हो जाता है, समय का आदर करना सीख लियो है इसने। मुझे लगता है कि गौचारण पे जाना बलराम के विकास के लिए सहायक बन रहा है।
अपने कान्हा को गौचारण के लिए जाने से रोक के कहीं मैं कोई भूल तो ना कर रही। आइए आइए ना महाराज। ये कहां लेकर आई हो प्राप्ति? मौन क्यों हो? मौन प्राप्ति प्राप्ति कौन है वहां? कौन है? और महारानी प्राप्ति कहां है? मैंने पूछा कौन है यहाँ? सामने आओ। मैंने पूछा कौन है यहाँ? सामने आओ। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? कौन है तू? कौन हो तुम? मेरे सामने तलवार लहरा रहा है, इतना दुस्साहस? मेरे सामने तलवार लहरा रहा है, इतना दुस्साहस? यदि तूने पलक भी झपकाने का प्रयास किया, मेरी यह तलवार तेरे रक्त से स्नान करेगी। कौन है तू? अपनी पहचान बता और सामने आ। महाराज, महाराज मुझे छोड़ दीजिए। क्षण अपने वास्तविक रूप में आ, अन्यथा तेरा ये शीश तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। योमासुर, तुम? अपने दास का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। अभी तुम्हारे प्राण ही ले लेता मैं। पर अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके लिए उस विष्णु अवतार का प्राण लेगा ही। व्योमासुर आपकी आज्ञा का पालन ना करें, ये तो संभव नहीं है महारानी। आप निश्चिंत रहिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि उस बालक को किसने मारा है। उसके भाई बलराम ने, या उसके सखाओं ने, या फिर स्वयं उसके माता पिता ने? मुझे तुम्हारा ध्यान पहले क्यों नहीं आया व्योमासुर? तुम तो वो छाया हो जो अपने ही तन को निकल जाए। अब अपनी प्रशंसा करने में मैं समय नष्ट क्यों करूं महाराज? आपका कार्य हो जाएगा, मैं आज रात्रि ही निकल जाऊंगा वृंदावन के लिए। आज्ञा है। कान्हा। कृष्णा। गोपाल। ना 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 जी, ठीक ना। कान्हा के विकास में बाधा ना बन सकती ना। कान्हा। कृष्णा। गोपाल। कान्हा। कृष्णा।
गोपाल। कान्हा। कृष्णा। गोपाल। कान्हा। कृष्णा। गोपाल। वृंदा देवी, यमुना देवी, देवी गंगा, आप तीनों